तो ट्रेन हमारी आ चुकी है। वाह भाई, पोई पो मचाती आ रही है ट्रेन। देख लो क्लीन है। अब कहाँ से आए हो भाई? बनारस से। और शक्ल से लग ही रहा होगा कितना दिमाग खराब हो रखा है रात के सोए हुए। अच्छा तुम राजधानी में आ जाओ वो ठीक है। न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन पर उतर गए हैं। स्टेशन पे उतरो और सुमो करो, ये दार्जिलिंग ले जाएगी हमें। 2-2.5 घंटे लगेंगे। अंदर से भी देख लो भाई, ये सुमो होती है। माउंटेन्स, ओ माय गोडा। इधर आओ भैया, रोड पे आ रहे बादल और गाड़ी में भैया कपल वपल। चलो कोई नहीं, तो चलता रहता है। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है मेरी एक नई वीडियो में। और आज हम जा रहे हैं दिल्ली से दार्जिलिंग, और वो भी ट्रेन से। सो भाई, आनंद विहार टर्मिनल पहुंच चुके हैं और यहां से हमारी ट्रेन अब आएगी 7:40 पे। अभी 6:30 हुए हैं। सो 7:40 पे ट्रेन आएगी, फिर ट्रेन में बैठेंगे, ट्रेन भी देखते हैं कैसी मिलती है, बाकी चलते हैं आगे। तो ट्रेन हमारी आ चुकी है अपने प्लेटफॉर्म नंबर पे, जो भी इसका प्लेटफॉर्म था मैं भूल गया, सॉरी। और चलते हैं ट्रेन के अंदर। वाह भाई, पोई पो मचाती आ रही है ट्रेन। बाकी ट्रेन देखते हैं, बाहर से तो ठीक ठाक लग रही है, अंदर से कैसी है। थर्ड एसी मैंने बुक कराया था, जो मेरा कोच है थर्ड एसी है, और ट्रेन का नाम है नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस। लास्ट में सारा बताऊंगा ट्रेन की बुकिंग कितने की करी मैंने और किस ऐप से करी है और कहाँ से करी। बाकी थर्ड एसी बुक है, देखते हैं अंदर जाके थर्ड एसी इस ट्रेन का कैसे है और ये हमें अपने टाइम पे पहुंचाती है या लेट करती है हमें। बाकी उम्मीद तो थोड़ी थोड़ी है कि टाइम पे पहुंचा सकती है, तो चलो चलते हैं अंदर। तो भाई साहब, ये हमारी ट्रेन है, B4 हमारा कोच है, 64 नंबर की सीट है, 64 ये ऊपर वाली मेरी सीट है, ये है पूरा। सही है यार ट्रेन, वैसे तो अभी तक तो साफ सुथरी लग रही है, बाकी देखते हैं आगे कैसी रहती है। सो ये ट्रेन है, अभी तक तो साफ सुथरी लग रही है, बाकी देखो कैसा सफ़र रहता है, लेट होती है या ऑन टाइम पहुंचती है। ये ऊपर वाली हमारी सीट है, जो इससे ऊपर है, साइड अपर होती है, और ये थर्ड एसी है, 3 सीट होती है। सो यही है ट्रेन, बाकी आगे देखते हैं। तो ट्रेन चल चुकी है, हमारा सफ़र हो चुका है शुरू। आज सुबह 7:40 पे ये ट्रेन चली थी दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल से, और भाई टाइम जो है ना ट्रेन का वो है 8:10 पे, मतलब कल के दिन 8:10 बजे सुबह हमें उतार देगी ये 8:10 पे। एक दिन 30 मिनट का सफ़र है, देखते ट्रेन टाइम पे पहुंचती है या नहीं पहुंचती। अंदर का मैंने आपको दिखा दिया, मेरे को अभी तक साफ लगी पूरी ट्रेन। बाकी अभी आपको वॉशरूम दिखाता हूँ, वॉशरूम देखते हैं यहाँ का कैसा है कैसा नहीं है। ट्रेन तो साफ है बट वॉशरूम भी अच्छी ठीक है, मतलब साफ है, साफ बोल सकते हैं वॉशरूम को, ऐसा कुछ नहीं है, वॉशरूम भी साफ है। तो अभी वॉशरूम दिखाता हूँ, ये है वॉशरूम और देख लो क्लीन है, क्योंकि अभी अभी साफ करने वाले आए थे और अभी इसको साफ किया गया है। सो मेरे हिसाब से ठीक ठाक है, मतलब ज़्यादा नहीं बोल सकते, मतलब हाँ ठीक ठाक है। सो ये है नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस का वॉशरूम, वॉशरूम क्लीन है, मेरे को अच्छा लगा और ठीक है, मतलब नॉर्मली बोल सकते हैं हम कि हाँ ठीक है। और ट्रेन भी साफ़ है, ऐसा नहीं है। मेरा अपर साइड वो है, अपर साइड वाला ऊपर का बैठने का सीट, तो मेरे को ठीक लगी। अब आगे चलते हैं। तो भाई यहाँ रुकिए कहीं बिहार में, और इधर बारिश हो रही है बहुत खतरनाक वाली, देख रहे हो। भाई 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 बारिश हो रही है बाहर बहुत ज़्यादा। अभी रात है शायद 4 घंटे लेट है ये ट्रेन, 4-5 घंटे, 4-5 घंटे लेट है। देखते सफ़र कैसा रहता है। अभी सो के उठे हैं, कितने बजे कुछ रखिए, मिलते फिर सीधा न्यू जलपाईगुड़ी में। बीच में बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, रात हो रखी है, रात में क्या ही दिखाऊंगा आपको। देखो बाहर बारिश हो रही है बहुत सही तेज, पानी वानी भर गया है इधर तो पूरा, शायद ये बिहार में रुकी है कहीं। अब कहाँ से आए हो भाई? बनारस से आए हो अभी? नागालैंड निजार भर्ती देखने। कटिहार आ गया, बिहार का कोई स्टेशन है कटिहार, तो वहाँ अभी रुकी है ट्रेन, अब यहाँ से चलेगी आगे। बारिश हो रही है बड़ी तगड़े वाली, ये ट्रेन जा रही है, कोई लोकल ट्रेन है शायद ये वाली, और ये कटिहार का स्टेशन है। सही बारिश हो रही है यार, बस वहाँ बारिश ना हो नहीं तो टूर बेकार हो जाएगा फिर बस। कोई जगह है साल मारी, हमने किसी की नहीं मारी, पर ये कोई जगह है साल मारी, ये देखो
अभी यहाँ बीच में रुकी है, शायद सिग्नल नहीं है, और ये कोई गांव है बिहार का। अब भी यहाँ ये कोई बिहार में कोई स्टेशन है बीच में, 5 मिनट का उल्टा यहाँ, तो यहाँ रुकी है ट्रेन, अब यहाँ से चलेगी आगे। लो भाई ट्रेन चल चुकी है, अब हम चल दिए हैं अपना डेस्टिनेशन की तरफ। ये स्टेशन था बरसोई, बिहार के अंदर है बरसोई जंक्शन। सो भाई अब चल पड़ी हमारी ट्रेन किशनगंज स्टेशन से, अगला स्टेशन है न्यू जलपाईगुड़ी, और शक्ल से लग ही रहा होगा कितना दिमाग खराब हो रखा है रात के सोए हुए। सीट मेरी वो वाली है ऊपर वाली, अब पता ऊपर साइज भी छोटा है सीट का, तो कंफर्टेबल नहीं है भाई। मैं तो क्लियर बताऊं, मैं तो रिकमेंड नहीं करता नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस, इससे अच्छा तुम राजधानी में आ जाओ, वो ठीक है। ठीक है, सो यही है, अब 12 बजे या 1 बजे तक ये पहुँचाएगी न्यू जलपाईगुड़ी, उसके बाद देखते कि आगे दार्जिलिंग रुकना है आज या फिर सिक्किम रुकना है, तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो अब हमारा स्टेशन आएगा, मतलब किशनगंज, बरसोई जंक्शन, कतिहार, बिहार जो भी था सब निकल चुका, लास्ट रहता है न्यू जलपाईगुड़ी। तो अब न्यू जलपाईगुड़ी ट्रेन रुकेगी, फिर हम उतरेंगे और चलेंगे सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग। तो ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करेंगे और हम ट्रेन को यहीं देते हैं। रुक गई है न्यू जलपाईगुड़ी आ गए हैं, स्टेशन से बाहर चलते हैं। सो भाई न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन पर उतर गए हैं, ये स्टेशन है, और यहाँ से चलते हैं अब आगे, देखते हैं क्या साधन मिलता है हमें दार्जिलिंग जाने का। तो यही है न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन। ये है न्यू जलपाईगुड़ी का रेलवे स्टेशन, यहाँ उतर चुका हूँ, और दार्जिलिंग जाने के लिए ये सुमो है, और ये सुमो ने लिए हैं 400 रुपये पर पर्सन के हिसाब से, ये दार्जिलिंग ले जाएगी हमें, 2-2.5 घंटे लगेंगे, देखते हैं सफ़र कैसा रहता है, शेयरिंग है ये। सो यही है, अपना स्टेशन पे उतरो और सुमो करो, और यहाँ से 400 रुपये दे के और सीधा दार्जिलिंग, ये ऐसी सुमो जाती है यहाँ से। अंदर से भी देख लो भाई, ये सुमो होती है, इसमें 10 जने होते हैं, 8 से 10 लोग जो सिलीगुड़ी और न्यू जलपाईगुड़ी से सीधा जाएंगे दार्जिलिंग, 400 रुपये पर पर्सन के हिसाब से। तो हम चल चुके हैं सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग की तरफ, गाड़ी हमारी चल चुकी है, और कई जगह मैं आपको अलग से वॉइस ओवर डाल के चीज़ें बताऊंगा, क्योंकि भाई साहब ने गाड़ी में चला रखे गाने, अगर मैंने वीडियो की आवाज़ डाल दी तो कॉपीराइट क्लेम तो पक्का आना है, इसलिए सुनो आगे। तो भाई धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे हैं, और भाई साहब हमारा एक नंबर गाड़ी चला रहा है, बस एक कमी है, गाने चला रखे हैं इन्होंने, और मैं आप जान के बोल नहीं रहा, क्योंकि चलो ठीक है बजाने दो यार, क्योंकि और लोग भी हैं मेरी वजह से परेशान होंगे। बाकी भाई रास्ता बहुत मस्त है और बहुत सेफ है यार, डरने की तो ज़रूरत ही नहीं। और मौसम देखो कितना खतरनाक मौसम है, मतलब यार पहाड़, माउंटेन्स, ओ माई गोडा सॉरी, ये देखो माउंटेन, देखो बादल कितने क्लियर है। तो भाई देख, अब देखो मतलब जो व्यू आ रहा है ना यहाँ से, देखो गाड़ी अभी भी चल रही है, और पहाड़ देखो यार, कसम से मैं क्या ही बोलूँ, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ दार्जिलिंग की तरफ, बट दिल खुश हो गया, मतलब अंत काम हो चुका है मेरे साथ, मेरे को मतलब मज़ा आ रहा है ये व्यू देख के। जब सोचो यहाँ इतना है ऊपर चढ़ाई पे, और ज़्यादा क्या हाल होगा वहाँ। अब बादल, चलो वो तो व्यू था देखा जाएगा, इधर अब भैया रोड पे आ रहे बादल, मतलब यार क्या ही बोलूँ, इतना सही मौसम हो रखा है ना कि पूछो मत, मतलब टोटली मेरा आना सफल हो गया, धन्य हो गया मैं। और गाड़ी में भैया कपल वपल, चलो कोई नहीं है तो चलता रहता है तो मैं आया हूँ सोलो, और मेरी गाड़ी में सारे कपल है यार, मतलब हद हो गई, चलो कोई नहीं, ये भी सही है। बाकी देखो यार कितना प्यारा व्यू आ रहा है, मतलब मेरे को तो मज़ा आ रहा है, टोटली एक नंबर। ये फाइनली हम पहुँच चुके हैं दार्जिलिंग, एंट्री हमारी हो चुकी है दार्जिलिंग के अंदर,
अभी चलते हैं, उतरते हैं और सोचते हैं अपने हॉस्टल में। और ये तो राइमिंग सही होगी। तो दार्जिलिंग पहुंच चुके हैं, 400 रुपये पर पर्सन कैब वाले ने लिए थे, सुमो गाड़ी थी सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग। दार्जिलिंग हम आ चुके हैं, गाड़ी हमारी पहुंच चुकी है दार्जिलिंग। ये दार्जिलिंग की कुछ गलियां हैं और पूरी वेस्ट बंगाल वाली फील आ रही है। और ऊपर से आज विश्वकर्मा जी की पूजा है तो इसलिए ये पंडाल वगैरह बन रहा है। सो हम पहुंच चुके हैं दार्जिलिंग और अब जा रहा हूं मैं अपने हॉस्टल की तरफ। गाड़ी वाले ने मेरे को उतार दिया है इस रोड पर और सामान बहुत थक गया हूं। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, अब मिलेंगे आपसे सीधा अपने हॉस्टल के अंदर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राम राम।